अरे दोस्तों नमस्कार। आज का जो एक महत्वपूर्ण दिन वह है 18 सितंबर। आज के दिन जो जातक जन्मे होते हैं बहुत फास्ट बैटिंग करते हैं, अर्थात फटाफट और तेज क्रिकेट खेलना उनका शौक, अर्थात कोई भी काम को बहुत तेज गति से और त्वरित निर्णय करते हैं। और जीवन में कई बार कहा भी जाता है कि यदि आप अपना निर्णय सही समय पर लेते हैं तो आप आगे बढ़ जाते हैं, और यदि आप निर्णय सही समय पर नहीं लेते तो पीछे हो जाते हैं। और ऐसा कई बार देखा भी गया। इसलिए डिसीजन मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप कितने समय में निर्णय ले रहे हैं। और कई बार कई लोग को आप देखे होंगे कि बहुत जो धीमे गति से एक ही चीज़ के बारे में 10 बार 20 बार विचार करते हैं। कई बार देखिएगा वहाँ पे पीछे शनि की आपको आहट नज़र आएगी, वो आपको अपने जाल में फंसा देगा। और कई बार राहु के डिसीजंस भी जो है ना आपको काफ़ी उठापटक वाले लगेंगे, या फिर ऐसा लगे काफ़ी दबा के डिसीजन वो लेता है। दोस्तों ये तो हुई निर्णय की बात। तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1/10/1928 है उनके लिए जो आज का दिन है एक नई चीज़ों पे विचार होता हुआ, एक नया रिस्क उनके पास आता हुआ, कहने के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी उनके पास आती हुई, हो सकता है उसमें बहुत पैसा लगे, हो सकता है उसमें बहुत सारी धनराशि लगे। लेकिन ऐसा है, यदि आज के दिन आपके पास ऐसी कोई योजना आ रही है तो मैं कहूँगा कि आप रिस्क लीजिए, क्योंकि यदि आप रिस्क लेते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन में तरक्की करेंगे। भाग्य जो है आपको आह्वान कर रहा, धन की देवी का जो लक्ष्मी का एक आह्वान आज के दिन आपके पास आ रहा है, एक नया सूत्र आपके पास आ रहा है। जिसकी डेट पर 2/11/29/20 है आज के दिन अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर सकता है, या हो सकता है किसी कार्य क्षेत्र पे कहीं आप काम करने गए हो तो आपको नज़र लगी हो, या फिर कुछ इस प्रकार की स्थिति जिसके कारण से स्वास्थ्य थोड़ा सा उतार चढ़ाव का, और साथ ही साथ हो सकता है कि किसी चीज़ों पे दो चीज़ें निर्णय लेने के लिए आपको इंतजार करो, एक सही और एक गलत, दो मार्ग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हो। जैसे कि आप दिलवाले दुल्हनिया पिक्चर देखी होगी आपने, तो कहा जाता है कि जो दो रास्ते हैं एक सही और गलत, तो वैसा ही कुछ चुनाव अभी आपके पास करने को आ सकता है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 3/12/21 से समय अनुकूल नहीं, कई बार ऐसा निकलता है कि भूमि से निकल के देवदूत आपको कुछ कह रहे, अर्थात आपके अपने पितरों का कुछ समय जो है आप हो सके तो उनके लिए कुछ करें तो आपके लिए बेहतर होगा, या कुछ ऐसा करें जिससे आपका लोक तो है ही साथ परलोक सुधरे, अर्थात कुछ भूखों को भोजन कराएं, कुछ जीवों को अन्नदान करें, कुछ इस प्रकार की कार्य यदि आप करेंगे तो आपके कार्य में सफलता मिलेगी। अन्यथा समय की जो घंटी है वो बज रही है और आपको प्रॉफिट होने देगी नहीं, आपके प्रॉफिट को खींच देगी। अभी भी समय है, जाग जाइए, यही कह रहा समय आपसे। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 4/13/22/31 से तेज गति से अपने काम को करना चाह रहा और मजबूती से करना चाह रहा और कम समय में ज़्यादा दूरी बड़ी छलांग लगाने के लिए जाता हुआ अंक 4 आज के लिए। और जिसकी डेट ऑफ बर्थ 5/14/23 अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन पर महसूस करता हुआ, किसी महिला के संपर्क से उसके कार्य जो है सिद्ध होंगे और कार्य जो है फलीभूत होंगे, ऐसा समय। और कुछ अच्छे समाचार यदि वैवाहिक जीवन में है तो अच्छे समाचार आपको आ सकते हैं, नहीं आपकी गर्लफ्रेंड बन सकते हैं बन सकती है, और साथ ही साथ में हो सकता है कुछ नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं जो आपको अच्छा लाभ दे पाएँ, ऐसी स्थितियाँ आपके लिए बन सकती हैं। और महिलाओं से जुड़े क्षेत्र में कुछ लाभ की स्थितियाँ, और यदि आप अविवाहित हैं तो विवाहित हो सकते हैं, विवाहित है तो संतान प्राप्ति के योग। कुल मिलाकर शुभ संकेत अंक 5 के लिए। और जिसकी डेट ऑफ बर्थ 6/15/24 है उनके लिए जो समय है उनके लिए भी कुछ एक महत्वपूर्ण संदेश आता हुआ, और कबूतर जा 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 गाना आपने सुना होगा, तो वैसा ही कुछ संदेश आपको ईश्वर के माध्यम से, ईश्वर अभी आपको दे रहा है, या आपके किसी मित्र के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकता है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7/16/25 है आज के दिन, हो सकता है काम में मन ना लगे और थोड़ा सा निराशा के भाव, या पुराना दोस्त कोई आपको याद आ सकता है, पुराना छूटा हुआ कोई दोस्त, बिछड़ा हुआ यार आज के दिन आपको जो है थोड़ा सा याद आ सकता है, जिससे आपको प्यार करते रहे हों, और हो सकता है कि उससे आप अभी विभाजित हो गए। तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ 8/17/26 है उनके लिए आज अपने आप में एक कहा जाता है कि जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है, तो कुछ इस प्रकार के चक्रव्यूह में फंसता हुआ अंक 8 आज के दिन, और थोड़े उतार चढ़ाव की स्थितियाँ। और जिसकी डेट ऑफ बर्थ 9/18/27 है तो एक गाना होता है, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, अर्थात मेहनत कर और आगे बढ़, बस यही समय का संदेश आपको मिलता हुआ। तो दोस्तों यही चर्चा अंक 1 से लेकर 9 तक की और आज के दिन 18 सितंबर की आपको, आप भविष्य से जुड़े अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 7415114000 पर। डोंट वरी, कॉल पंकज महेश्वरी। और अधिक से अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक हमारे चैनल को शेयर करें, अधिक से अधिक कमेंट करें, जितना भी चीज़ें हो सकती हैं वो आप अधिक से अधिक करें। थैंक यू वेरी मच।